मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एनसीएल की खदानों में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिन पहले ही बड़े हादसे में कुछ लोगों की जान चली गई थी। आज शुक्रवार सुबह फिर सिंगरौली के एनसीएल के जयंत परियोजना में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां जयंत की खदान में कोयले से लोड बड़े होल पैक जम्पर ने बोलेरो कैंपर वाहन को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं चार अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो कैंपर के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार सिंगरौली जिले में कार्यरत कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल की जयंत खदान में शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि बोलेरो कैंपर क्रमांक CG12S2686 में सवार 5 लोग खदान क्षेत्र के अंदर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आते हुए होल पैक डंपर की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि कैंपर पूरी तरह कुचल गया। मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला जा सका। इधर सूचना मिलते ही मोरवा पुलिस एवं जयंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह कैंपर से निकालकर घायलों को उपचार हेतु नेहरू शताब्दी चिकित्सालय भिजवाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं इस घटना में मोरवा निवासी मृतक शीतला प्रसाद साकेत के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है।